जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व से संबंधित है। अभी तक हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिए थे, मध्य प्रदेश के अभ्यारण पढ़ लिए थे। इनमें से टाइगर प्रोजेक्ट किन राष्ट्रीय उद्यान में, किन अभ्यारण में चलाए जा रहे हैं, वो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले थे। तो आपको परीक्षा ऐप में साथ ही टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध हैं। जी हाँ दोस्तों, मॉडल पेपर यानी कि किस प्रकार से आपका जेल प्रहरी का 100 नंबर का पेपर आएगा, पूरा मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज पर आधारित जो है यहाँ पर उपलब्ध है। तो आपको करना क्या है, इंस्टॉल करना है परीक्षा ऐप प्ले स्टोर से, ठीक है। और दोस्तों, जेल प्रहरी टेस्ट सीरीज पर यहाँ पर जाकर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको सेल्फ SC40 कूपन कोड यूज करना है और 40% ऑफ में आपको क्या मिल जाएगा, सेल्फ SC40 SELF सेल्फ SC40 ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आप 40% ऑफ मिल जाएगा। यानी कि कोई टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर 100 रुपये के हैं तो आपको वो 60 रुपये में मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आप ज़रूर इंस्टॉल करें और परीक्षा ऐप को ज़रूर अपनाएं। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व यहाँ पर हम ट्रिक से याद करेंगे और सब्सक्राइब आपको चैनल को कर लेना है और बेल आइकन को भी दबाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो, पूरा वीडियो जरूर देखें, आपको याद हो जाएगा। ये है दोस्तों मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो है राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण फैले हुए हैं, सभी को पता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, जो हमें टाइगर रिजर्व अगर याद करना है तो हमें याद करना होगा, कान्हा ने संजय को पन्ना के पेंच में बांधकर सतपुड़ा में पानी पिया। ये आपका कोड है, कान्हा ने संजय को पन्ना के पेंच में बांधकर सतपुड़ा में पानी पिया। ये अगर याद हो गया तो आपको टाइगर रिजर्व याद हो जाएंगे। कान्हा से क्या बनेगा आपका, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो कि कहाँ पर है, मंडला में है ना। और ये कब बना, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कब हुआ, तो 1974 में हुआ, इसको याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको याद करवाया था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मंडला, क्योंकि कान्हा को देखकर मंडोला तो मंडला, और ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हो गया, ठीक है। फिर है दोस्तों संजय से, संजय राष्ट्रीय उद्यान, और संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सीधी में है, ठीक है। संजय कैसे थे, सीधे थे, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में। और ये 2008 में क्या बन गया, टाइगर रिजर्व में शामिल हो गया, ठीक है। तीसरा है दोस्तों आपका पन्ना, तो पन्ना से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पन्ना में, ठीक है। ये 1995 में टाइगर रिजर्व में शामिल हुआ था, ठीक है। तीसरा है दोस्तों आपका पेंच में, तो पेंच में यानी कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, शिवनी छिंदवाड़ा में है पेंच, है ना। और 1992 में ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ पेंच राष्ट्रीय उद्यान। फिर है दोस्तों आपका बांधकर, पेंच में बांधकर, तो बांधकर से क्या हो जाएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, उमरिया में, कहाँ पर है, उमरिया में है। और हमने देखा था कि अगर आपको बांध दिया जाए तो पूरी उमरिया निकल जाएगी, तो बांध से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर होगा, उमरिया में। और ये कब टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, 1993 में, ठीक है। फिर दोस्तों बांधकर सतपुड़ा में, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, होशंगाबाद, ठीक है। और होशंगाबाद ये सतपुड़ा टाइगर जो रिजर्व है राष्ट्रीय उद्यान, ये 1999 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, है ना। फिर दोस्तों पानी पिया, पानी से बना आपका राता पानी, राता पानी अभ्यारण है ये, और ये है दोस्तों रायसेन सीहोर में, और ये कब बना, 2010 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। तो आपको इतना याद रखना है कि कान्हा ने संजय को पन्ना के पेंच में बांधकर सतपुड़ा में पानी पिया, तो सीधा सीधा हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, संजय से संजय राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच से पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधकर से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा से सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और पानी से राता पानी राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है काय में शामिल है, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है ना। यहाँ पर टाइगर, टाइगर यानी कि बाघ को क्या दिया गया है, संरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो अब याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों निम्न में से बताइए, किस राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है या बाघ संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। तो आपको पता होनी चाहिए ना कि कान्हा ने संजय को पन्ना के पेंच में बांधकर
सतपुड़ा में पानी पिया, तो याद हो जाएंगे कान्हा संजय पन्ना पैंच और बांधगढ़ से बांधागढ़ सतपुड़ा और राता पानी, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने सोचा कि आपको ये जो ट्रिक है मैं कोड से याद करवा दूं। ये कैसी लगी दोस्तों आपको बताना है, और आपको टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, सर्च कर लेना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। और ये व्हाट्सअप नंबर दिया है तो व्हाट्सअप ग्रुप से भी आप जुड़ जाना, इंस्टाग्राम से जुड़ना है, सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना, फेसबुक से सुमित जैन सर्च करना है, और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, है ना। और इसी प्रकार से नई नई ट्रिक मैं आपको बनाता रहता हूं दोस्तों, पूरे वीडियो जरूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, और शेयर जरूर करें अपने मित्रों तक। आज के वीडियो के लिए बस टाइगर रिजर्व आपको याद करवाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपका जल्दी आएगा। जय हिंद। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एमपी में जेल प्रहरी भर्ती की जो है वैकेंसी निकली है दोस्तों। अब ऐसे में बहुत सारे युवा इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चल रहा है, कोई भी किसी प्रकार से पढ़ाई वाला संस्थान नहीं चल रहा है, तो पूरी जो तैयारी है डिपेंड हो जाती है ऑनलाइन प्रिपरेशन या ऑनलाइन तैयारी पर, ठीक है। अब दोस्तों आपको घर बैठे कैसे तैयारी करें ये विकल्प आपके पास है। विभिन्न प्रकार के यूट्यूबर आपको क्या दे रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं, लेकिन आपको व्यवस्थित कोचिंग कहाँ से करनी है, है ना, व्यवस्थित कोर्स आपको कैसे खरीदनी है। आप दोस्तों कोचिंग में जाते हो 5,000, 6,000, 8,000 आपसे फीस ले ली जाती है, आपको पढ़ाई वहाँ पर होती, आपको जाना पड़ता है। लेकिन मैं आज ऐसे ही कोर्स की बात करने वाला हूं कि आपको घर बैठे तैयारी करनी है और व्यवस्थित तैयारी करनी है, ठीक है। तो आपको दोस्तों करना क्या है, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो पहले दे चुके हैं इस परीक्षा को, या पहले कई परीक्षाएं दे चुके हैं, लेकिन जेल प्रहरी एग्जाम की आपको पता है 10वीं लेवल की ये परीक्षा है। चूंकि नए विद्यार्थी बहुत सारे होंगे, नए स्टूडेंट बहुत सारे होंगे जो परीक्षा को देने वाले हैं, ठीक है। अब ऐसे में दोस्तों आपका विकल्प होता है, आपको 17 जगह नहीं भटकना है। ऐसा नहीं है कि आप इस YouTube चैनल का देख लिया, फिर इस YouTube चैनल का देख लिया, फिर उसका देख लिया, लेकिन आपको व्यवस्थित कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। कभी ये पढ़ाया जाएगा, कभी वो पढ़ाया जाएगा। अगर आपको व्यवस्थित कोर्स चाहिए है तो व्यवस्थित जो कोर्स है दोस्तों आपको परीक्षा ऐप पर मिलेगा। आपको करना क्या है, परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। आप प्ले स्टोर पर जाएं या नीचे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स, यानी कि जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा वीडियो कोर्स उपलब्ध है, ठीक है। आपको खरीदना है एक कोर्स दोस्तों, 4,000 रुपये का है पूरा कंप्लीट, आपका जो 5 विषयों का कंप्लीट कोर्स है। ये आपको लाइव क्लास के माध्यम से, लाइव का शेड्यूल रहेगा, टाइम टेबल रहेगा, जैसा आपका क्लास में रहता है, आप कोचिंग जाते हो और आपकी क्लास में रहता है कि इतने बजे हिंदी की लगेगी, फिर मैथ की लगेगी क्लास, ऐसे ही आपकी क्लासें आपको घर बैठे जो है मिलेंगी। तो आपको इसका जो कोर्स का चार्ज रखा है वो कितना रखा है, 4,000। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था परीक्षा ऐप वालों ने की है ना, सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको 40% ऑफ मिल सकता है। ऑफ मिलेगा यानी कि ये जो आपका कोर्स है वो 4,000 का ना होकर आपका कितना का हो जाएगा, 2,400 रुपये का हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको 4,000 का खरीदने में अच्छा रहेगा कि 2,400 का खरीदने में अच्छा रहेगा, आपको 2,400 का खरीदने में अच्छा रहेगा ये कोर्स। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर कोर्स पर जाना है, ठीक है, जेल प्रहरी वीडियो लाइव वीडियो कोर्स पर जाना है, और वहां पर आपको कूपन कोड जो है SELF SC40, ठीक है, SELF SC40 एक कूपन कोड यूज करना है, तो आपको जो है 40% ऑफ मिल जाएगा।